तो कार में जो इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम यानी कि जो इंजन का एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है, ये तो बहुत सी लोगों के गाड़ियों में होता है और उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को ही पता है कि इंजन इमोबिलाइजर यानी कि एंटी थेफ्ट सिस्टम जो होता है इंजन का, वो काम कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिन लोगों के गाड़ी में इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, और जिन लोगों के गाड़ी में नहीं है वो भी इस वीडियो को देखिए तो आपको इसके बारे में जो आपके अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्च कीजिए यूनिक एडवाइस मास्टर को और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और पास ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो पिछले जो वीडियो था मेरा क्लस्टर के सिग्नल्स के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, तो उसमें भी थोड़ा इंजन इमोबिलाइजर यानी कि एंटी थेफ्ट सिस्टम जो है उसके बारे में बताए थे कि ये एक सिस्टम है आपके कार में रहता है जिसके मदद से अगर ऑथोराइज्ड की जो होता है आपके कार का वो अगर इग्निशन की के जो मतलब होल होता है वहाँ पर अगर नहीं डालेंगे तो आपके गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके गाड़ी उस की को ऑथोराइज नहीं करेगा कोई अगर अनऑथोराइज्ड की होगा। तो आज जानेंगे कि एक्चुअली में किस प्रोसीड्योर में ये सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब कार को ख़रीदते हैं अगर आपके कार में इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम यानी कि एंटी थेफ्ट सिस्टम जो होता है इंजन का अगर अवेलेबल है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर दो जो की मिलेगा, उसमें एक की के अंदर रिमोट रहता है और उसके अंदर एक आईसी बोर्ड रहता है जो एक 3 वोल्ट की बैटरी की मदद से चलता है। और इस आईसी बोर्ड के अंदर में दोस्तों एक ट्रांसपोंडर की चिप रहता है जिसके अंदर में एक कोड इंस्टॉल रहता है, और साथ ही साथ एक एंटेना भी रहता है इस आईसी बोर्ड में। इस एंटेना का काम क्या है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपके गाड़ी के जो की होल होता है वहाँ पर ऑथोराइज्ड की को डाल के प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के साथ साथ ही ये जो एंटेना होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से आपके गाड़ी के चाबी का जो ट्रांसपोंडर की चिप रहता है वो उसके अंदर में जो कोड होता है उसको भेज देता है कार के अंदर में जो ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर होता है वहां पर। उसके बाद ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर कोड को भेज देता है सीधा ईसीयू यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट में। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इंजन कंट्रोल यूनिट में भी एक पहले से बिल्ट इन कोड होता है, और वो कोड और कार के चाबी में जो ट्रांसपोंडर की कोड होता है दोनों सेम ही होता है। तो ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर से कोड को रिसीव करने के बाद ईसीयू उस कोड को मैच करके देखता है उसके अंदर में जो बिल्ट इन कोड है उसके साथ भेजा गया कोड मैच हो रहा है कि नहीं। कोड मैच हो जाता है तो अप्रूव कर देता है राइट सिग्नल के हिसाब से उस कोड को। उसके बाद ईसीयू क्या करता है, फ्यूल पंप में सिग्नल भेज देता है फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ इग्निशन में भी सिग्नल भेज देता है स्पार्क प्लग में स्पार्क करने के लिए। तो इस प्रोसीड्योर में उसके बाद कार के जो इंजन होता है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों यही है इंजन इमोबिलाइजर या फिर इंजन का एंटी थेफ्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, और जैसे मैंने बताया इसी प्रोसीड्योर में ये काम करता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जब हम चाबी को गाड़ी के की होल में डाल के घुमाते हैं तो उस कुछ चंद सेकेंड के अंदर ही ये सारे जो प्रोसीड्योर है ये कम्प्लीट हो जाता है। दोस्तों अभी सोचिए, गाड़ी को चुराने के लिए कोई दूसरा वाला कोई ट्रांसपोंडर की कोड चिप वाला कोई चाबी को अगर गाड़ी के अंदर मतलब की होल में डाल के घुमाएगा तो वहां पर भी सेम प्रोसीड्योर में जो कोड होता है वो ईसीयू में जाता है। ईसीयू वहां पर कोड को रिसीव करने के बाद पहले जैसा मैंने बताया उसी प्रोसीड्योर में ईसीयू उसके अंदर में मतलब ईसीयू के अंदर में जो बिल्ट इन कोड है उसके साथ मैच करके देखता है, अगर मैच नहीं हुआ तो रॉन्ग सिग्नल के हिसाब से उस कोड को रिजेक्ट करता है, जिसके वजह से ना तो फ्यूल पंप में कोई सिग्नल जाता है फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए, या फिर ना ही तो इग्निशन में कोई सिग्नल जाता है इग्निशन के जो स्पार्क प्लग है उसको स्पार्क करने के लिए, जिसके वजह से क्या होता है रिजल्ट इंजन जो होता है स्टार्ट नहीं होता। सोचिए दोस्तों, गाड़ी को कोई चुराने के लिए अभी कोई नॉर्मल की को अगर गाड़ी में डाला, नॉर्मल की का मतलब है जिस की के अंदर ना तो कोई आईसी बोर्ड है ना ही कोई ट्रांसपोंडर की कोड चिप है या फिर ना ही कोई एंटेना है, ऐसे अगर कोई नॉर्मल की को डाल के घुमाएगा तो वहां पर भी रिजल्ट सेम ही होगा दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन वहां पर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोंडर की कोड चिप अगर चाबी के अंदर नहीं होता तो चाबी को घुमाने से वहां पर सिग्नल रॉन्ग तो दूर की बात, वहां पर कोई सिग्नल पहुंचता ही नहीं आपके गाड़ी के इश्यू में, जिसके वजह से इश्यू का कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, जिसके वजह से वहां पर भी कोई इग्निशन हो या फिर फ्यूल पंप हो वहां पर कोई सिग्नल नहीं जाता, जिसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तो यही है सारे प्रोसीड्योर दोस्तों, ऐसे प्रोसीड्योर में इंजन इमोबिलाइजर जो एक काम करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। वीडियो के बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन आएगा पास में, उसको भी दबा दीजिए फ्यूचर में हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।